आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है, आप सब जानते हैं कि आज जम्मू शहर के अंदर एक बर्निंग इशू जो प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से जम्मू कश्मीर की आवाम को डराया जा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी इस प्रॉपर्टी टैक्स के बिल्कुल खिलाफ है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी प्रॉपर्टी टैक्स के इसलिए खिलाफ है कि जब 370 तोड़ा गया था, एक हस्ती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया था, तो बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए गए थे। लेकिन आज कभी पीला पंजा चलाया जाता है, कभी येलो लाइंस खींचकर हमारे जम्मू कश्मीर के दुकानदारों को तंग किया जाता है, कभी स्मार्ट पार्किंग लगाकर हमारे दुकानदारों को तंग किया जाता है, हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को तंग किया जाता है। और आज जो प्रॉपर्टी टैक्स यहां लगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो अभी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जैसे कि हमारे चेयरमैन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने बताया कि हमारा रेवेन्यू, हमारी जो आमदन है, वो इतनी आमदन नहीं है कि हम किसी टैक्स की तरफ बढ़ पाए। आप सब जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, लोगों के जेब में एक बार फिर से जो गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़ाए गए, आम जनता क्या खाएगी और कहां से टैक्स देगी। जो हमारे रसोई गैस है जो हम घर में यूज करते हैं, 50 रुपए उसकी कीमत बढ़ा दी गई 8 ही महीने के अंदर। जो हमें 1105 रुपए का मिलता था, आज वो सिलेंडर हमें 1155 रुपए का मिल रहा है। जो कमर्शियल सिलेंडर्स जो हमें 1800 रुपए का मिलता था, आज 350 रुपया एकदम से एक महीने के अंदर उसे बढ़ा दिया गया और 2250 रुपए का आज हमें वो कमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है। जब ये सिलेंडर्स महंगे हो गए तो आपकी रोजमर्रे की खाने पीने की चीजें जो हैं वो भी महंगी हो गई। जब प्रॉपर्टी टैक्स आप यहां लगा देंगे तो आपकी महंगाई का जो रेट है वो और बढ़ जाएगा। तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता का कसूर क्या है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द हमें वापस मिलना चाहिए। जो 216 साल पुरानी हमारी स्टेट है उसे वापस करना चाहिए। हमारी स्टेट की आपने डिमोशन की, जम्मू कश्मीर की जनता कभी नहीं चाहती कि हमारी स्टेट की डिमोशन हो। जो महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी की जो स्टेट, जो महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान की सरकार के साथ हमारा विलय किया था, वो स्टेट का विलय किया था, ना कि यूटी का विलय किया था। आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है हमारे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की ओर से। वैसे तो जम्मू शहर एक बर्निंग इशू का शहर है। यहाँ पे हर 15 दिन, महीने, 2 महीने के बाद कोई ना कोई, क्योंकि जम्मू एक सौतेली माँ का यहाँ पे व्यवहार होता है, जिसका भी बस चलता है वो जम्मू को टारगेट करना शुरू कर देता है। चलो, आज एक नया चल रहा है प्रॉपर्टी टैक्स, और इसकी तुलना हमारे माननीय मनोज सिन्हा साहब, गवर्नर जी, बाकी शहरों से करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा नाम भी ऊंचा आ जाए, जम्मू का भी नाम ऊंचा हो, चंडीगढ़ जैसे शहर से मिले, दिल्ली जैसे शहर से मिले, बेंगलोर जैसे शहर से मिले। मगर खाली नाम मिलाने से ऊंचा नहीं हो जाता, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ चीज़ें ऐसी दी जाती हैं, पब्लिक को सहूलतें दी जाती हैं, फिर उसके बाद अगर उसको मद्देनजर रखते हुए आप कोई बोझा डालते भी हो तो उस पर पब्लिक शायद सोचने पर मजबूर होती है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। अभी रिसेंटली मैंने मनोज सिन्हा साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग एप्पल का मोबाइल चला लेते हैं तो 100-200 रुपये टैक्स देने में कोई इतराज़ है उनको। चंडीगढ़ जैसे शहर, पुणे जैसे शहर या दिल्ली जैसे शहर के अगर उनसे देखा जाए, तुलना की जाए, तो ये नाम आता है, कुछ भी नहीं है। मगर मैं उनका बड़े विनम्रता से उनका ध्यान देना चाहता हूँ जम्मू शहर की, और वो देखें स्मार्ट सिटी के नाम से। स्मार्ट सिटी तो चौड़ा बनता है, चौड़ा होता है, जो पहले जितना होता है उससे ज़्यादा चौड़ा होता है। जम्मू स्मार्ट सिटी पहले चौड़ाई से भी वो छोटा होना शुरू हो गया है। फुटपाथ तो पहले भी बने हुए थे, उन्हीं को स्मार्ट सिटी का दोबारा काम लगा के उल्टा वो चीज़
एक डिस्टरबेंस क्रिएट होने की कई कई एरियो में मैंने हमने हमने फील किया हमारी पार्टी ने। कौन ऐसा बंदा है जो यहाँ पे मगी टैक्स से दबा हुआ नहीं है? सुबह उठता है तो सांस से लेके शाम को सोने तक वो टैक्स भी मगी देता रहता है। अभी ये उचित समय नहीं है यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का, ये प्रॉपर्टी टैक्स अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात 100-200 की या किसी के साथ कंपेयर करके नहीं है कि आप 40% कह रहे हो यहाँ पे गरीब तबका है और 80% एवरेज है और 20% वालों को ये मैक्सिमम देना पड़ेगा। आई आप 100-200 की बात कर रहे हो, यहीं से शुरू होके ये अनलिमिटेड जाना है। तो यहीं पे जम्मू वासियों की एक आवाज बन के हमारी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन श्री गुलाम नबी आजाद साहब की अध्यक्षता में हम इसे इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं और हम इसके एकदम सख्त खिलाफ है। ये अभी प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो म्यूनसिपैलिटी के बाद जो भी उनके पास जितनी भी सरमाया है उसी में वो अपना कार्य करें, उसी में कुछ बाकी जम्मू वालों को कुछ करके दिखाएं, तो उसके बाद चीजें बढ़ती है मगर टाइमली बढ़ती है, एकदम बोझा नहीं। 2-3 साल में आप सिनेरियो बोलो कि मैं 50 साल का बदल दें, वो हो नहीं सकता। बहुत से ऐसे मसले हैं जो पिछले 4-6 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है वो गर्त की तरफ धकेला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों की आय को बढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं हो रहा, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, सिर्फ उनका एक हैवी टैक्सेस जो है वो लाद दिए जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, एक अच्छा वाला जम्मू का एक ऐसा कस्बा कटरा, यहाँ पे लाखों की लोग में तादाद आते हैं और यहाँ पे हजारों की तादाद में छोटे बड़े होटल्स हैं, छोटे बड़े ढाबाज हैं, लॉजिज हैं। आप उनको बाहर से आए हुए ऑफिसर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे सीईओ है श्राइन बोर्ड के, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कितने लोग उस पे पल रहे हैं। आप उनके पेट पे लात मार के वहाँ पे केबल प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं ताकि वो लोग बेरोजगार हो जाए और जम्मू कश्मीर जो है वो तबाही की तरफ जाए। तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है कटरा में केबल कार लगने प्रोजेक्ट लगने का भी विरोध करती है और यहाँ पे हम अपना विरोध जताना चाहेंगे। 350 रुपए जो सिलेंडर की हाइक है, आप बाजार में हर चीज बिकने वाली जो भी होटल ढाबा छोटी से छोटी चीज की हर चीज का रेट जो है वो 5-10% बढ़ जाएगा। हर चीज का जो घरेलू सिलेंडर है 50 रुपए उसका हाइक हो गया, जबकि हालत ये है कि जम्मू कश्मीर जो है वो उसने टेररिज्म को पिछले 30 साल से झेला है। जम्मू कश्मीर की जैसा कि आजाद साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर की यहाँ पे जनता को कम से कम 5 साल जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स से रिबेट मिलनी चाहिए और लोगों को जो लोग हैं उनको ये जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनकी तरफ से ये भरोसा होना चाहिए कि हम आपकी भलाई के लिए आए हैं, ना कि जम्मू कश्मीर को जो है उसके संसाधनों को बर्बाद करने और जम्मू कश्मीर को दबाने के लिए। तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो यहाँ पे हमारे ऑफिस बेरर बैठे हैं, हम सब इनका प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध करते हैं, प्राइस हाइक का विरोध करते हैं, केबल कार प्रोजेक्ट जो कटरा में लगने का बात कर रहे हैं उसका विरोध करते हैं और ये पुरजोर तरीके से डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड आपने उसको छीन कर झूठी में तब्दील कर दिया और हम पर टैक्सीज की आपने एक बाढ़ लगा दी। आप हम सेंटर से भी अपील करते हैं कि स्टेटहुड को जल्दी से जल्दी वापस दिया जाए। अगर आप कोई टैक्स जो है प्रॉपर्टी या अदर टैक्सेस जो हम पर जबरदस्ती लगाने की कोशिश करेंगे तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी उसका विरोध करेगी। और जैसे कि हमने यहाँ पे पीले पंजे का विरोध किया, 1 महीना हमने शांतिपूर्ण तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसके मेमोरेंडम दिए, इसी तरह से हम प्रॉपर्टी टैक्स का भी पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। धन्यवाद।